दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। एक लड़की नहर में कूद गई और कूदने की क्या वजह थी, क्यों परेशान थी, अभी पता करते हैं। उसका परिवार यहां पर मौजूद है और ये नहर है, देखिए गुरुग्राम नहर बोलते हैं, सेक्टर 4 फरीदाबाद से लाइव है। और यहाँ पर ये लोग कपड़े उपड़े धोते हैं और यहीं पर देखिए जो है थोड़ा सा नहर बिल्कुल नजदीक है, एज बिल्कुल नजदीक है। और यहीं से कह रहे हैं लड़की जो है नहर में कूद गई या गिर गई, जो भी होगा। इसके परिवार से बातचीत करते हैं, पता करते हैं। कोई है भाई परिवार वाला? आइए पता करते हैं। देखिए बड़े परेशान हैं ये लोग, पुलिस को सूचना दी गई, उधर दमकल की गाड़ी भी आ गई है, कांटा वाटा डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। पता करते हैं लड़की की एज क्या थी और क्या हुआ था, हर चीज की जानकारी लेंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफी लोग भी मौजूद हैं, सब अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं लड़की को ढूंढने का, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। भैया राम राम, राम राम। कौन है जो उसके परिवार का है, कोई बातचीत कराइए, देखते हैं क्या बताते हैं इनके परिवार के लोग, क्योंकि परेशान है लोग और ये भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो लड़की मिल जाए। अभी तो बहुत परेशान है लोग, देखिए पुलिस को सूचना दी गई है, दमकल की गाड़ी भी आ गई है। अच्छा यहाँ पर लोग परेशान है, आइए पता करते हैं क्या हुआ था उसके साथ, देखते हैं परिवार वाले क्या बताते हैं। इधर देखिए भीड़ लगी है, काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसको भी खबर लग रही है कि ऐसा कुछ हुआ है तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। कोई है परिवार वाला, मम्मी पापा है जी? बहन। अच्छा बहन है, बहन जी कहाँ है? अच्छा आप बहन है। अच्छा क्या हुआ? रात में मैंने उसको बोला था कि तबीयत खराब था उसका। क्या नाम है उसका? पायल। अच्छा कितनी उम्र है? 16 साल। 16 साल, आप बताइए। मैं उसको बोली थी कि दवाई खा ले, तो कह रही है मैं खा लूंगी, तो मैं बोली कि खाने लगी तो खा, तो खाती नहीं। और वैसे ही वो चिड़चिड़ी से थी, खा नहीं रही थी, और पापा ने कुछ बोल दिया गुस्से में, तो बस नहीं खाने लगी, रुस गई थी। अच्छा तो पापा ने कुछ बोल दिया होगा तो वो जो है नाराज हो गई होगी। वो बोली थी कि पापा बोले थे क्या खाना खा ले, तो सो जा चुपचाप से, नहीं खाएगी तो। उसकी तबीयत खराब ज्यादा थी, तो मैं बोली कि पायल खाना खा ले, तो वो नहीं खा रही थी, बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, तो उसने बस इतने ही बोली। तो मैं उसको एक थप्पड़ लगाई थी, बस गुस्से में जाके नहर में जाके कूद गई। अच्छा वहीं से कूदी है ना, जहाँ पे थोड़ा सा जगह बन रही है। अच्छा तो वहाँ से कूद गई, पता चला कुछ ढूंढ लिया? ढूंढ रही है। अच्छा पुलिस ढूंढ रही है। अच्छा नहर भी काफी गहरी है यहाँ पे तो, बहुत गहरी, और नीचे से बहाव भी काफी तेज है। रात 11:30 बज रहा था। और कोई बात तो नहीं थी? नहीं। कोई और परेशानी? नहीं और कुछ नहीं थी। अच्छा कोई फोटो वगैरह होगी उसकी, दिखा दो। फोटो है? फोन का है? फोटो फोटो इसलिए दिखा रहे हैं, कई बार कहीं पर कुछ डेड बॉडी वगैरह मिलती है तो लोग हमें बता देते हैं भैया यहाँ पे ये मिली है, तो पहचान आ जाती है, इससे काफी मदद मिल जाती है। पीछे हमने जितनी भी वीडियो दिखाई है और कहीं न कहीं वो मिलते हैं तो हमें फोन आता है कि भैया आपकी न्यूज हमने देखी और ये लड़की हमें मिली है। दिखा भाई, कोई नहीं ये भी दिखा दो, सादा वाला दिखा दो, जो भी है दिख रहा है भाई कैमरा में? हाँ दिख रहा है, थोड़ा ऐसे अंधेरे में दिखाओ। हाँ ये लड़की है दोस्तों, ये देखिए पायल नाम है। आप कहीं भी देखें, इसको देखें या कोई डेड बॉडी आपको मिले तो आप तुरंत जो है हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे नंबर पर 9953931171 पर भी बता सकते हैं, तो हम भी इनके परिवार को सूचना दे देंगे। फिलहाल ये लोग परेशान हैं। और कोई फोटो है? चलो ये तो दिखा दिया, और कोई फोटो है दिखा दो, क्योंकि कई बार दूर जाकर रिकवर होती है बॉडी वगैरह, कई बार हमने आपको बताया है, जैसे ही न्यूज चलती है और कहीं ना कहीं कोई डेड बॉडी मिलती तुरंत हमारे पास फोन आ जाता है। हाँ फोटो एक और आ गई है तो ये भी दिखाएंगे, देखिए हम चाहते हैं पहचान हो जाए। चलो हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये भी फोटो आप देख सकते हैं, ये दूसरी फोटो है, तो जितनी भी फोटो है हम दिखा रहे हैं ताकि इसकी जल्दी से जल्दी पहचान हो जाए और लोग बता सकें। हाँ ये पकड़ी, ये पकड़ी बेटा तुम, ये पकड़ो। हाँ ये लो, ये भी दिखा दो भाई कैमरामैन, ये तो मुझे लगता है लेटेस्ट फोटो है, ये भी दिखाओ भाई कैमरामैन, ये देखो ये तीसरी फोटो हमने दिखा दी। दोस्तों कहीं भी आप देखें, कहीं भी जो है, कई बार डेड बॉडी ऊपर आ जाती है तब भी आप हमें बता दें, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, जिंदा ही मिल जाए तो भगवान का शुक्र होगा। हर कोई परेशान है, देखिए सारे लोग जो है चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पुलिस भी कार्रवाई करे, प्रशासन भी कार्रवाई करे और आप लोग भी मदद करें और जल्दी से जल्दी इनको बता दें।
अच्छा जी, तो आपने ढूंढ लिया, हमने सुना था रात में कुछ लोग कूद गए थे ढूंढने का प्रयास किया था, लेकिन मिले नहीं ना, चार पांच लड़का कूदा था लेकिन फिर जिनको तैरना आता है उन्होंने अपने स्तर पर ढूंढा रात में। अच्छा, नहीं पता चला। नहीं, बड़ा दुखद है। देखिए, नौजवान लड़की थी, ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 16 साल की उम्र बता रहे। अच्छा, इनके पिताजी वगैरह क्या नाम है? नंद कुमार। अच्छा, नंद कुमार नाम है। कितने भाई बहन है? ये दो भाई है, चार बहन थी। अच्छा, दो भाई हैं और चार बहन, एक बहन तो डूब गई है, तीन बहन बच रही है। अच्छा, अभी वाली जो डूब गई तीन बच रही है। देखो, बड़ा दुखद है दोस्तों। तो देखते हैं, पुलिस भी थोड़ा सा जल्दी कार्रवाई करे, जो भी इनके पास रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करके कहीं कांटा लगाएं, कहीं जाल डाल दें, हो सकता है मिल जाए, जो है इनको भी संतोष हो जाएगा। बाकी दोस्तों, हमने आपको लाइव दिखाया फरीदाबाद सेक्टर 4 बोलते हैं, झुग्गियां हैं। कौन सी झुग्गी भैया, कौन सा एरिया? कोई प्रेम नगर, कोई ऐसा बोलते हो ना, पटेल नगर बोलते हैं। सेक्टर 4 में पटेल नगर है। फिर से चलेंगे नहर की साइड में, इन्फॉर्मेशन हमने आपको पूरी दे दी है। तो चलते हैं, फिर से आपको दिखाएंगे कि कौन सी नहर है जिसमें वो लड़की कूद गई। अब जो हमें सूचना मिली कि भाई उसको थोड़ी सी बात के लिए डांटा है, कोई पहले से बातचीत रही होगी, हो सकता है पहले से थोड़ा बहुत परेशान रही हो। तो जब बहन ने जो है कह रही थी, हमने समझाने के लिए थप्पड़ लगा दिया उसको, अब इसकी वजह से वो पता नहीं क्या हुआ, उसके मन में क्या आया कि यहाँ पर आई है, अभी दिखाते हैं कहाँ से कूदी है, यहाँ पर आई है और यहाँ से कूद गई है। उसके बाद जो है 3-4 लड़के भी कूदे हैं उसको बचाने के लिए, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो फिर से आ गए हैं लोकेशन पर जहाँ से वो लड़की कह रहे हैं कूद गई। ये देखिए, आइए थोड़ा सा कैमरामैन। हाँ, तो ये देखिए बिल्कुल जी, यहाँ पर किनारा ऐसा है कि अगर पैर भी फिसला तो भैया डूब सीधा जाएगा है। और यहाँ पर इतनी गहराई है, मुझे लगता है हाथी भी डूब ही जाएगा है जी। सही बात कह रहे हैं ना, यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर जो है अगर पैर भी फिसला तो हाथी भी डूब जाएगा, इतनी गहराई है नहर की। बाकी देखते हैं दोस्तों, पुलिस अपने स्तर पर ढूंढने का प्रयास कर रही है, फायर ब्रिगेड भी आ गई है, दमकल की गाड़ी भी आ गई है। आप लोग तैरना जानते हो? हाँ जी। कौन कौन कूदा था रात में? रात में तो मैं भी कूदा था जी। आप भी कूदे थे? हाँ जी। कहाँ कहाँ ढूंढ लिया? हाँ जी, आधा तक चले गए थे। आधे तक आप चले गए, नहीं मिली लड़की? हाँ जी। अच्छा, बहाव भी काफी तेज है? बहुत तेज है जी, ऊपर से देखने में ऐसा, और नीचे बहुत तेज बहाव है। पता नहीं, अगर कोई आदमी गिरेगा तो एक घंटे बाद सीधा 2-3-4 किलोमीटर दूर जाकर जो है पता चला। दोस्तों, क्या होता है, जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे। अच्छा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि आप गुस्से में नहर में जंप लगा दें। जिंदगी जो है जीने के लिए होती है, मरने के लिए नहीं होती है। 16 साल की लड़की थी, उसने गलत कदम उठाया, जंप कर गई जो है। अब इन्होंने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन नहीं मिली है। अब परिवार परेशान है, पुलिस परेशान है, प्रशासन परेशान है और मीडिया भी जो है परेशान ही है। तो देखते हैं, एक कदम अगर गलत उठता है तो पूरा समाज परेशान हो जाता है। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।